नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आज निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके उनको कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। खड़गे ने अपने ट्वीट में सवाल करके पूछा कि अडानी की कंपनी में लगाए गए 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। उन्होंने पूछा कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, जतिन मेहता आदि क्या आपके भ्रष्टाचारी भगाओ अभियान के सदस्य हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या आप इस गठबंधन के संयोजक हैं। खड़गे ने पीएम को संबोधित करते हुए कहा कि आप खुद को भ्रष्टाचार का विरोधी बताकर अपनी छवि चमकाना बंद कर दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने दूसरे ट्वीट में पीएम पर और भी कड़े हमले बोलते हुए ये पूछा कि कर्नाटक में आपकी सरकार पर 40% कमीशन के आरोप क्यों हैं? मेघालय में आपकी सरकार ने भ्रष्टाचारी सरकार के साथ गठबंधन क्यों किया है? उन्होंने कहा कि राजस्थान में संजीवनी कॉर्पोरेटिव घोटाले, इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के पोषण घोटाले में और छत्तीसगढ़ में नान घोटाले में बीजेपी नेता क्यों शामिल हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष के 95% नेताओं पर सीबीआई और ईडी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पूछा कि क्या बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है जिसमें धुलकर नेता साफ हो जाते हैं। खड़गे ने पीएम को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आपकी 56 इंच की छाती है तो आप जेपीसी बिठा दीजिए और इसी के साथ ही 9 सालों में पहली बार सरेआम खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत कीजिए। खड़गे ने साथ ही ये भी कहा कि आप पीएम से ये भी सवाल पूछिए कि आप आम कैसे खाते हैं या आप थकते क्यों नहीं हैं। और वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, आरजेडी सांसद और उनकी बेटी मीसा भारती की जमीन के बदले नौकरी मामले में आज फिर नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि आज सुनवाई होने जा रही है और इससे पहले कोर्ट ने तीनों की रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले की याचिका पर 15 मार्च को मंजूरी देते हुए आरोपियों को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी थी। इसके पहले 6 मार्च को सीबीआई की टीम लालू के पटना आवास पर राबड़ी देवी से पूछताछ की थी, जिसके बाद ईडी ने 10 मार्च को रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्य और इसी के साथ ही रिश्तेदारों के घर पर छापेमारी की थी। ईडी ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में 24 ठिकानों पर छापा मारा था। ईडी ने ट्वीट करके बताया था कि छापेमारी में 1 करोड़ रुपए की नकदी, 1.5 किलो से ज्यादा के सोने के गहने, 540 ग्राम सोना, इसी के साथ ही अमेरिकी डॉलर समेत कई चीजें बरामद हुई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर यह आरोप है कि उन्होंने 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए लोगों को रेलवे में नौकरी के बदले उनसे जमीन ली थी, जिसको लेकर सीबीआई ने लालू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीआई ने पिछले साल इस मामले को लेकर चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि रेलवे की प्रक्रिया का उल्लंघन करके अवैध तरीके से नियुक्तियां की गई थी। जानकारी के मुताबिक लालू यादव ने पत्नी राबड़ी, इसी के साथ ही बेटा मिसा और रेलवे के अधिकारियों के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से सबके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने पिछले साल 18 मई को लालू यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात महुआ की करेंगे। सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज महुआ पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। अस्पताल में बने जन औषधि केंद्र की व्यवस्थाओं को परखा तो वहीं पर आपको बता दें कि जिला अस्पताल के सभी वार्डों में पहुंचकर निरीक्षण करते हुए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए माफिया तीक अहमद की सजा को बीजेपी सरकार की पैरवी का परिणाम बताया और कहा कि अन्य आपराधिक मामलों में भी कानून के तहत ऐसे ही पैरवी कर सजा दिलवाने का काम योगी की सरकार करेगी। सभी लोगों को स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था मिले, उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। आज महुआ जनपद के जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। अभी जिला कलेक्ट्रेट में विभागवार सभी विभागों की समीक्षा बैठक होगी। बढ़ते हैं आगे और अब बात बदायूं की करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा बदायूं क्लब में श्री अन्न का आयोजन किया गया। मेले में विभिन्न अधिष्ठान की दुकानें लगाई गई थी।
जहां पर आपको बता दें कि फूड प्रोडक्ट प्रदर्शित किए गए, जिसका सभी अतिथियों ने अवलोकन करते हुए प्रशंसा की है। हमारे मुख्य विकास श्री अन्न है, इसके संदर्भ में उसकी उपयोगिता को लेकर के दर्शनी लगाई गई है, जिससे जनपद बदायूं के लोग में जागरूकता बढ़ेगी और उसको उनके स्वास्थ्य को, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद। हमारे मंत्री हैं चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात श्रावस्ती की करेंगे। श्रावस्ती में पिछले 3 दिन पहले 2 नाबालिग नहर में डूबकर लापता हो गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एनडीआरएफ टीम और स्थानीय गोताखोरों के साथ ही एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा लगातार तलाश की जा रही थी, जिसके बाद संयुक्त टीम के अथक प्रयास पर एक बालक का शव बरामद करने में सफलता मिली। मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक प्राचुर सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दूसरे डूबे हुए बालक की तलाशी करने के लिए संबंधित संयुक्त टीम को दिशा निर्देश दिए। थाना ग्रंट पड़ता है, यहाँ पे एक गांव है खटकन देवरा, यहाँ पे 2 लड़के सरयू नदी में डूब गए थे और पुलिस फोर्स तत्काल वहाँ पहुँच के रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस ने स्टार्ट कराया। जो लोकल गोताखोर थे उनको भी बुलाया और इसके अलावा जो है फ्लड कंपनी जो है दिति वाहनी की वो भी आई, एसएसबी की भी जो फ्लड रेस्क्यू बोट्स हैं उनको बुलाया गया और कड़ी मेहनत के बाद आज दिन में एक डेड बॉडी हम लोग को मिल गई है, जो 11 साल का लड़का डूबा था और अभी दूसरा जो 13 साल का लड़का था उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है, उसको भी ढूंढने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे और अब बात फरुखाबाद की करेंगे। फरुखाबाद में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के 3 खेतों में आग लग गई, तो वहीं आग लगने से गेहूं के खेत के पास मौजूद बच्ची आग की में झुलसकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके साथ ही एक और बच्चा बुरी तरह से झुलस गया। आग में जलकर कई बीघा गेहूं फसल भी खराब हो गई। आपको बता दें कि आरोप है कि सूचना देने के बाद भी कई घंटों तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंची। दरअसल खेत के ऊपर से एचटी लाइन गुजरती है, एचटी लाइन में फॉल्ट होने से गेहूं के खेतों में आग लग गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कुत्ता मर गया, 2 हत्या हुई और फिर 3 लोगों खेतों में आग लग गई। नेम सिंह सनाब महपाल सिंह, जसवीर सनाब नरेश और एक अजय पाल, वो दो भी दिवाकर है, वो करताब खेत रखे हुए खेत है सिंह सनाब बजराज। चलिए अब रुख ललितपुर का करेंगे। ललितपुर में तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार मामा भांजे को रौंद दिया, वहीं मौके पर मामा की दर्दनाक मौत हो गई और भांजे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर टैंकर को अपने कब्जे में उसने ले लिया। इसके साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं अलीगढ़ मदरसे में शिक्षक ने छात्र से घिनौनी हरकत की, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर मदरसा समिति ने एक्शन लिया। इसके साथ ही परिजनों और स्टाफ ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस बच्चे का मेडिकल परीक्षण करा रही है। दस बजे हमारे यहाँ तरावी मुकम्मल होती है जी, और 10 बजे के बाद 10:30 बजे तक 11 बजे तक खाना वाने से फारिग होकर बच्चे लेट जाते हैं जी जी, और मैं अपने कमरे पर जाकर लेट जाता हूँ। नीचे बच्चे हाल में बच्चे रहते हैं सारे, और एक जो बड़ा बच्चा था वे भी बच्चे थे, मेरी गैर मौजूदगी में कभी कभी पढ़ाने के लिए भी बैठ जाते हैं। आज थाना रोरावर पर एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें वादी के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसके नाबालिग 14 वर्ष के पुत्र के साथ, जो कि थाना रोरावर स्थित एक मदरसा जिसका नाम रबिया मुफ्ता उल उलूम है में पढ़ता था, और वहां कल रात्रि को उसके साथ वहीं पे पढ़ाने वाले मौलाना नुमान सनौफ साकिम अली निवासी मुजफ्फरनगर के द्वारा दुष्कर्म किया गया। वहीं देर रात मऊरानीपुर रोड स्थित भसनेह बांध के पास पुलिस के द्वारा ट्रैकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर 4 बाइक सवार आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस के द्वारा रोका गया तो उक्त सभी बदमाश भागने लगे। इस दौरान
पुलिस ने पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान मौके से भाग रहे दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई। मुठभेड़ में चार बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। उक्त सभी बदमाश विगत दिनों, आपको बता दें कि गुरसराय थाना क्षेत्र के ग्राम खेरा नुनार गांव में पड़ी हुई डकैती के आरोपी बताए जा रहे हैं। बदमाशों के पास से रुपयों के अलावा दो मोटरसाइकिल और अवैध असला और इसी के साथ ही डकैती और चोरी के उपकरण की बरामदगी हुई है। रायपुर डकैती कांड के बाद पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही थी और चेकिंग में ये पता चला कि टोड़ी फतेहपुर साइड से दो मोटरसाइकिल सवार पे चार बदमाश भसने बांध के पास बहुत तेजी से आके रुक गए और उसके आगे रक्षा पुलिस, मऊरानी पुलिस प्रभारी, गुरसराय पूर्व प्रभारी अपनी पूरी टीम के साथ और स्वाट और सर्विलांस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। और खबर कासगंज से है। कासगंज में प्राइवेट बस में फांसी के फंदे पर लटका युवक का शव मिला है। युवक बस का चालक बताया जा रहा है। युवक आपको बता दें कि गंज डुंडवारा एटा मार्ग पर प्राइवेट बस चलाता था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो देखिए कासगंज से तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। जैसे ही ये मामला सामने निकल कर आया है वैसे ही आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तो देखिए कासगंज से ये तस्वीरें जहां पर प्राइवेट बस में युवक का शव मिला है। जैसे ही ये बात लोगों को पता चली तो वहां पर सनसनी फैल गई और इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और इसी के साथ ही परिजन भी पहुंचे। परिजनों की तरफ से हत्या की आशंका जताई गई है। फिलहाल तमाम लोगों से पूछताछ पुलिस की तरफ से की जा रही है। ये कासगंज से तस्वीरें हैं। अब पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश पुलिस कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं लगातार परिजनों की तरफ से इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने की बात कही जा रही है। और वहीं श्रावस्ती में पुरानी रंजिश को लेकर गांव के दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आपको बता दें कि दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा जिससे कि युवक के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और वो गंभीर रूप से घायल हो चुका है। आनन फानन में परिजनों ने घायल को सीएचसी में भर्ती कराया जहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर पीड़ित की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। और वहीं इटावा में युवाओं ने ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को फंसाकर रंगदारी वसूलने को कमाई का जरिया बना लिया है, जिसको लेकर शिकायत पर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये युवक लोगों से ट्रैप कर अवैध वसूली करते थे। गिरफ्तार युवकों के पास से मोबाइल, नकदी और इसी के साथ ही बाइक, कार और स्कूटी भी बरामद हुई है। तो देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक तरह से आपको बता दें कि एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस की तरफ से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब पुलिस की तरफ से ये पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि और कितने लोग इनके साथ इस गैंग में शामिल हैं जो ऐसी ही घटनाओं को अंजाम देते हैं। और वही बुंदेलखंड महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष इसी के साथ ही जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 7 भोजला से सदस्य ब्रजेंद्र सिंह यादव के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झांसी आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें फूलमालाओं से लाद दिया। बताते चले कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गत दिवस ही झांसी जिला अध्यक्ष पद पर ब्रजेंद्र सिंह यादव के नाम की घोषणा की थी। जिलाध्यक्ष बनने के बाद ब्रजेंद्र सिंह यादव सड़क मार्ग से झांसी पहुंचे। इससे पहले उनका कानपुर उरई में भव्य स्वागत किया गया था। झांसी जिले की सीमा पुंछ में स्वागत के बाद मोट इसी के साथ ही चिरगांव
बड़ा गांव आदि में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, जो मेरी हमेशा से दिली इच्छा रही है कि समाजवादी पार्टी को एक जमीनी स्तर से आगे बढ़ाना है और एक नई दिशा में ले जाऊंगा, जिससे जो जिम्मेदारी मुझे दी है वो एक जो कार्यकर्ता है उभर के आए। लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया है, क्या संभावनाएं देखते हैं पार्टी की? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग कि उन्होंने जो है झांसी डिस्ट्रिक्ट में जो यूथ का जिलाध्यक्ष बनाया है, निश्चित ही युवाओं में जोश आएगा, आगे काम करने की क्षमता बढ़ेगी। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ, नमस्कार।